आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। दुश्मनी में बदल रहा राजनीतिक विरोध, बिना विचार विमर्श के पारित हो रहे कानून, सीजीआई एनवी रमना ने जताई चिंता। झुंझुनू के जगदीप धनखड़ को भाजपा ने बनाया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, 11 साल कांग्रेस में रहे। इंडिगो के विमान की पाकिस्तान ने कराई इमरजेंसी लैंडिंग, तकनीकी खराबी के चलते डायवर्ट हुई फ्लाइट। पूर्वी लद्दाख में सीमा गतिरोध को लेकर आज होगी भारत चीन के बीच सैन्य वार्ता, सैनिकों को हटाने पर रहेगा जोर। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय दल का ऐलान, 215 खिलाड़ी जाएंगे बर्मिंघम। मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। दिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों के साथ। 18 जुलाई यानी कि कल राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके लिए बीजेपी ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है, जहां पार्टी के सभी विधायकों को राजधानी लखनऊ में 16 जुलाई से ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं 16 और 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी अपने विधायकों को ट्रेनिंग देगी। जहां एक तरफ तो पार्टी की तैयारी है ही इस चुनाव में एक भी वोट खराब ना होने पर, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने विपक्ष की एकता को भी तितर बितर कर दिया है। आपको बताते चले कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। तो आपको बताते चले कि कल राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो है चुनाव होने हैं, जिसको लेकर भाजपा पूरी तरह से कमर कस चुकी है। इसके लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली है। जहां एक तरफ पार्टी सभी विधायकों को राजधानी लखनऊ 18 जुलाई से ही रहने के निर्देश दे चुकी है, तो वहीं 16 और 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी अपने विधायकों को एक ट्रेनिंग भी दे रही है। यानी कि ये कहा जाए कि बीते दिनों से ही राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी अपने विधायकों को ट्रेनिंग देना शुरू कर चुकी है। वहीं राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, अगर देखा जाए तो बीते दिनों राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी अपने विधायकों को ट्रेनिंग देना शुरू कर चुकी है, तो क्या कुछ खास देखने को मिला ऐसे ट्रेनिंग के दौरान? जी भांशु जी, मुस्कान आपको बताएं कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दल के साथ अलग तरह की तैयारी कर रही है, और एक अगर देखें तो एक बीजेपी इसको गंभीरता से लेकर राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां में लगी हुई है। वहीं अगर बात की जाए तो एनडीए की संयुक्त उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अब जहां देश भर में घूम के अपने विधायकों और सांसदों से अपने पक्ष में समर्थन मांग रही है, वहीं आपको बताएं कि देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष हैं, उनकी अगुवाई में देश भर के सांसद और विधायकों को जो भारतीय जनता पार्टी के घटक दल हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि कल जब राष्ट्रपति चुनाव होगा तो कैसे वो वोट देंगे, तो डमी वोटिंग कराई जा रही है। वहीं आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कल डमी वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की गई और आज अन्य जगहों पर की जा रही है। वहीं आपको बताएं कि कल चुनाव होना है और चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी जो फाल्स वोटिंग होती है, जो वोट गलत पड़ जाते हैं, उसमें कमी लाने को लेकर, साथ ही साथ विकार्ड मतों से एनडीए की उम्मीदवार को जिताने के लिए तैयारियां कर रही है। साथ ही साथ आपको बताएं कि अगर बात की जाए तो 2002 में एनडीए की तरफ से उम्मीदवार एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया गया था, जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को 89% वोट मिले थे, जो कि एक रिकॉर्ड मत था। उसके बाद अगर बात की जाए तो पिछले चुनाव में जब पिछली बार राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लगभग 46% वोट मिले थे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो अपने 2002 का जो आंकड़ा है उसको भेदने के लिए और रिकॉर्ड मत से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो बनाया गया उनकी जीत के लिए पूरी तैयारियां कर रही हैं। वहीं अगर बात की जाए तो देश भर के जो विधायक हैं, सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं,
चाहे लोअर हाउस की बात की जाए, चाहे अपर हाउस की बात की जाए, सभी जो गणमान्य हैं उनकी तरफ से कल राष्ट्रपति चुनाव को लेकर वोटिंग की जाएगी और 24 को नतीजे आएंगे। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो बीजेपी का ये प्रयास है कि फॉल्स वोटिंग ना हो, उसके ठीक पहले जो डमी वोटिंग कराई जा रही है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी जो अपना लक्ष्य रखी है कि एक रिकॉर्ड जीत हासिल करे, उसमें अब देखने वाली बात ये होगी कि जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो बीजेपी अपने इस मकसद में कितना कारगर साबित हो पाई है, वो नतीजों के बाद कहना साफ होगा। जी विभांशु, का देखा जाए तो बीते दिनों से ही, शाम से ही जो विधायकों को प्रशिक्षण देने की जो तैयारी थी वो शुरू हो चुकी थी, साथ ही साथ प्रशिक्षण देने का जो कार्यक्रम था उसकी भी शुरुआत हो चुकी थी जो आज भी चलेगा। तो उस दौरान कितने विधायक और सांसद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मौजूद रहेंगे? जी आपको बताएं मुस्कान की जो एनडीए के घटक दल हैं, जो एनडीए के साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अपना दल, चाहे बात की जाए निषाद पार्टी, ये सब जो तमाम दल भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में हैं, घटक दल के रूप में सरकार में हैं, ये सभी विधायक आकर और जो डमी वोटिंग की प्रक्रिया है जिसमें उन्होंने भाग लिया, साथ ही साथ देश के अलग अलग कोनों में डमी वोटिंग कराई जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। वहीं आपको बताया कि डमी वोटिंग इसलिए कराई जा रही है क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले चुनाव में जो वोटर्स की संख्या होती है और पोल की संख्या होती है उसमें अगर देखें तो सैकड़ों विधायक और दर्जनों सांसदों के द्वारा फॉल्स वोटिंग की गई थी। उसी क्रम में आपको बताया कि बीजेपी ऐसा ना हो और रिकॉर्ड मतों से जो एनडीए की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू उनको जीत मिले, इसी क्रम में आज देश भर में कल आयोजित किया, साथ ही साथ कल लखनऊ में हो गया और अन्य जगहों पे आज किया जा रहा है, जिससे द्रौपदी मुर्मू रिकॉर्ड मतों से जीत सके और देश की महामहिम की गद्दी जो है उसको संभाल सके। वैसे अगर बात की जाए तो अगर आंकड़ों के मुताबिक तो भारतीय जनता पार्टी इसमें प्रबल उम्मीदवार जो उसकी है द्रौपदी मुर्मू, उनके जीत की संभावना कहीं ज्यादा है। वहीं अगर विपक्ष की उम्मीदवार की बात की जाए यशवंत सिन्हा, तो बीजेपी के घटक दलों को हटाकर जो तमाम ऐसे दल है, जैसे बात की जाए झारखंड के सुरेंद्र की पार्टी, चाहे बात की जाए बीजू दल की, चाहे बात की जाए वाईएसआर की, ये सभी दल, चाहे बात की जाए उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के दल, तो इन तमाम दलों का समर्थन है। और साथ ही विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को समाजवादी पार्टी, आरएलडी और केवल तमाम जो पार्टियां हैं उनके भी समर्थन है। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव में जो वोटिंग होती है वो किसके पक्ष में होती है, मगर एनडीए की जो उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू हैं उनको मजबूती के साथ चुनाव में देखा जा रहा है कि वो होंगी। ये चुनाव के बाद कहना साफ होगा कि राष्ट्रपति के में कौन जीता, अभी कहना ये बस एक संभावना ही लगाई जा सकती है। जी विभांशु, लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी ने जब अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार का जब नाम घोषित किया था तो कहीं ना कहीं नाम आने के बाद से ही जो विपक्ष है वो भी कहीं ना कहीं तितर बितर होता हुआ नजर बिल्कुल साफ तौर पर आ रहा था, क्योंकि जहां कुछ जो विपक्षी दल है उसके कई नेताओं को द्रौपदी मुर्मू का भी समर्थन मिला है, जिसकी एक तस्वीर मुंबई से भी निकल के सामने आई थी। जी बेशक अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में समाजवादी पार्टी के गठबंधन सुभसपा और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव और साथ ही साथ जनसत्ता जो कि राजा भैया की पार्टी है, इन तीनों दलों के द्वारा द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया गया। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो ट्राइबल पार्टी जो कि महाराष्ट्र से आती है, तमाम ऐसे दल हैं जो बीजेपी में गठबंधन का हिस्सा ना रहते हुए, साथ ही साथ वो उनके घटक दल नहीं है, मगर उनके इस तरफ से साफ तौर पे देखा जाए तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर उन्हें बीजेपी का उनको समर्थन दिया है। और वहीं आपको बताएं कि देश में ऐसा पहली बार होगा कि कोई आदिवासी जनजाति समाज की महिला महामहिम की जो कुर्सी है उसको संभालेगी, साथ ही साथ देश की जो संविधान है उसकी रक्षा की जिम्मेदारी और जो संवैधानिक मूल्यों की जिम्मेदारियां होती हैं उनको निभाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के तौर पर पहली बार झारखंड से आई, माफ करिएगा असम से आई द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। जी बिल्कुल, धन्यवाद दिभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
लखनऊ के लूलू मॉल में नमाज के बाद अब हनुमान चालीसा पढ़ने का भी वीडियो वायरल हो रहा है। लूलू मॉल के अंदर दो युवक जय श्री राम का नारा लगाते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आए। मौके पर मौजूद मॉल के सिक्योरिटी ने दोनों युवकों को सिक्योरिटी ने मॉल से बाहर किया। सिक्योरिटी ने जब युवकों को बाहर निकाला जा रहा था तब युवकों ने भी धार्मिक नारे लगाए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लूलू मॉल में नमाज पढ़ने के बाद अब हनुमान चालीसा पढ़ने का भी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जहां एक तरफ लूलू मॉल में नमाज पढ़ी गई थी तो वहीं चारबाग स्टेशन पर नमाज पढ़ने का वीडियो भी वायरल हुआ था, लेकिन अब लूलू मॉल के अंदर दो युवकों ने जय श्री राम के नारे लगाए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा भी पढ़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन जैसे ही लूलू मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स को इस पूरे मामले की जानकारी मिली तो तुरंत उन्होंने युवकों को वहां से बाहर निकाला। इस दौरान भी युवकों ने जय श्री राम के नारे लगाए, जिसका वीडियो भी आप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने शनिवार को फरीदाबाद में अमृता हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के बनने से मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ज्यादा सुधार होने वाला है। 2400 बेड के अस्पताल में लगभग 300 बेड पीडियाट्रिक के लिए आरक्षित है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया कर्मी से बात करते हुए कहा कि 2400 बेड का अमृता हॉस्पिटल यहां पर बना है और इस हॉस्पिटल में विश्व स्तरीय उपकरणों और तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। अमृता हॉस्पिटल यहाँ बना है और वर्ल्ड क्लास इसमें इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगभग 300 बेड तो पेडियाट्रिक के लिए है, ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद से ही आवारा गायों का विशेष ध्यान रखते हुए योगी सरकार ने गौशालाओं का निर्माण गांव देहातों से लेकर शहरों में भी कराया और जो पुरानी गौशालाएं थी उन पर भी सरकार की तरफ से सहायता की गई है, जिससे गायों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सके। लेकिन अलीगढ़ के ग्राम पंचायत मजराक के अंतर्गत नोहटी गांव में गौशाला के हाल बद से बदतर देखने को मिल रहे हैं। वहीं गांव वालों का कहना है कि इस गौशाला में गायों के लिए ना तो चारे की व्यवस्था है, ना ही ऐसी भीषण गर्मी में पानी की व्यवस्था है। साथ ही जो गाय गौशालाओं में बीमार हो जाती है उनके लिए डॉक्टर्स एवं रखरखाव की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक ग्राम मडराक नगर पंचायत लगती है, यहाँ पे एक गौशाला पड़ती है नोटी। यहाँ पे दो तीन दिन पहले भी गाय मरी मृत अवस्था में पाई गई थी और अब दोबारा मृत अवस्था में पाई गई हैं दो गाय, जो कि अभी गर्द नहीं पाई हैं। यहाँ पे CEO साहब भी आए थे, वो अभी तक गायों को देख नहीं गए। वो आए और समझा के चले गए कि ऐसे इनकी चीज़ जो करें ऐसे कर देना, और वो अभी तक गायों के पास नहीं आए हैं। और यहाँ पर रोज आए तीसरे दिन गायें मरती रहती हैं, यहाँ पर पानी वगैरह कोई व्यवस्था नहीं है। खबर बुलंदशहर से है, जहां अनूप शहर के LDAV इंटर कॉलेज में DM चंद्र प्रकाश सिंह और SSP श्लोक कुमार ने बैठक की। सभी जनपदों के अधिकारियों के साथ कावड़ यात्रा को लेकर चर्चा भी की। वहीं मीटिंग के बाद DM और SSP ने छोटी काशी अनूप शहर के गंगा घाटों का निरीक्षण किया, जहां DM ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्वास्थ्य सेवाओं, पब्लिक साउंड सिस्टम सुरक्षा, सफाई व्यवस्था, पेयजल के बारे में व्यवस्था करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए।
गाजियाबाद पुलिस ने लोनी में शनिवार को मुठभेड़ के बाद एक वांछित गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। वही अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। लोनी के मुस्तफाबाद इलाके के यूनुस उर्फ गंगा को पुलिस चौकी पर जब रोका गया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर मोटरसाइकिल पर सवार होकर भागने की कोशिश की। वही पुलिस के जवाबी कार्रवाई में यूनुस घायल हो गया, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और उसे इलाज के लिए भी अब अस्पताल भेजा जा चुका है। तथा थाना लोनी की टीम के द्वारा प्रतिदिन की भांति आज चेकिंग लगाई गई थी लोनी चिरौड़ी रोड पे। उसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पे आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया गया तो उसने काफ़ी तेज़ी से अपनी मोटरसाइकिल को आगे बढ़ा दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हल्की बूंदाबांदी लगातार जारी है, दिन में तेज़ बारिश भी हो गई थी। रोड के किनारे एक चक रोड है जिससे कि वो निकलने का प्रयास किया, उसी दौरान उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई और उसने पुलिस पार्टी पे जानलेवा हमला बोल दिया। पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षार्थ अपने आप को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की तथा उसके अन्य साथियों के बारे में तलाश। बुलंदशहर में शनिवार को झमाझम बारिश हुई, जिससे जगह जगह सड़कों पर जलभराव हो गया और लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। साथ ही नाले के समीप बनी पगडंडी बह गई। नगर पालिका के अधिकारियों ने जल्द पगडंडी बनाने का आश्वासन भी दिया है। तो आपको बताते चले कि अभी उत्तर प्रदेश में मानसून की हल्की ही दस्तक हुई है, लेकिन अब जगह जगह पर जलभराव की भी तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। और ये ताजा तस्वीर आप बुलंदशहर से देख रहे हैं, जहां पर थोड़ी सी बारिश के बाद ही जलभराव देखने को मिला और लोगों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।